हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप अपने बालों के झड़ने टूटने से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, आपके बालों की ग्रोथ नहीं बढ़ पा रही है और आपके बाल एकदम से रूखे बेजान दिखाई देते हैं, तो एक बार आप इस नुस्खे का यूज़ ज़रूर करके देखें। ये आपके बालों को नई जान लाएगा और आपके बालों की ग्रोथ के लिए भी काफ़ी लाभकारी होगा। इसके लिए आपको अपने शैम्पू में दो ऐसी चीज़ों को ऐड करना होगा जो आपके बालों की हेयर ग्रोथ को तेज़ी से बढ़ाने में आपकी हेल्प करेगा। आपको फ्रेंड्स यहाँ पे शैम्पू लेना है। जिस भी कंपनी के शैम्पू को आप यूज़ करते हैं, आपको वो शैम्पू लेना है। मैं फ्रेंड्स यहाँ पे यूज़ करती हूँ डव शैम्पू का, तो मैं यहाँ पे डव शैम्पू ले रही हूँ। अगर आप पाउच यूज़ करते हैं तो आपको दो पाउच लेने होंगे, और अगर आप फ्रेंड्स बॉयस हैं तो एक चम्मच शैम्पू या फिर एक पाउच शैम्पू का भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आप दो चम्मच शैम्पू ले लीजिएगा। शैम्पू को लेने के बाद अब आपको इसमें ऐड करना होगा एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल हमारे बालों को मजबूती देता है, बालों में चमक लाता है और बालों की जड़ें जो कमज़ोर हो जाती हैं, बेजान हो जाती है, उन्हें भी रिपेयर करके बालों की जड़ों को मजबूती देता है, जिससे हमारे नए बाल उगने तेज़ी से शुरू हो जाते हैं। तो आपको अपने शैम्पू में एक चम्मच एलोवेरा जेल को ऐड करना होगा। एलोवेरा जेल को ऐड करने के बाद अब आपको इसमें ऐड करना होगा ग्लिसरीन का। ग्लिसरीन फ्रेंड्स हमारे बालों के लिए, हमारे चेहरे के लिए बहुत ही लाभकारी होती है। आज हम इसका यूज़ कर रहे हैं अपने बालों की जड़ों की स्किन के लिए। फ्रेंड्स, जब हमारे बालों की जड़ों की स्किन डैमेज हो जाती है और हमारे बाल तेज़ी से नहीं उग पाते हैं और हमारे बाल तेज़ी से झड़ते रहते हैं, या फिर हमारे बालों की जड़ों में डैंड्रफ हो जाता है जिससे हमारे बालों की जड़ों में खुजली रहती है, उसे रिपेयर करने के लिए आज हम यूज़ करेंगे ग्लिसरीन का। आपको इसमें एक चम्मच ग्लिसरीन ऐड करना होगा। फ्रेंड्स, हमारे बालों की जड़ों का बेजान हो जाना सबसे बड़ा रीज़न होता है हमारे बाल ना बढ़ पाना, क्योंकि फ्रेंड्स जब हमारे बालों की जड़ों में ही मजबूती नहीं रहेगी तो हमारे बाल कहाँ से बढ़ पाएंगे, कहाँ से हमारे बाल लंबे काले घने हो पाएंगे। और यही नहीं फ्रेंड्स, हमारे बाल ऐसे तेज़ी से लगातार टूटते रहेंगे कि आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। फ्रेंड्स, शैम्पू के अंदर मैंने दोनों चीज़ों को ऐड कर लिया है। अब आप इन दोनों चीज़ों को मिक्स कीजिएगा। जब ये फ्रेंड्स अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो आपको अपने बालों में इसे लगाना होगा। लगाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले आप अपने बालों को गीला कर लीजिएगा नॉर्मल पानी से। उसके बाद इस पेस्ट को लेकर जैसे आप शैम्पू करते हैं, धीरे धीरे करके अपने बालों की जड़ों की मसाज कीजिए शैम्पू से, और अच्छे से मसाज के दौरान आप अपने बालों में भी इसे अच्छे से लगा लीजिएगा और धीरे धीरे करके अपने बालों को वॉश कर लीजिएगा। इस नुस्खे का यूज़ आप वीक में दो बार कीजिए। ऐसा करने से आपके बालों की जो जड़ें हैं, जो डैमेज हो गई हैं, वो तेज़ी से रिपेयर हो जाएंगी और आपके बाल तेज़ी से लंबे काले घने होने शुरू हो जाएंगे। तो ये था आज का मेरा नुस्खा। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर बाजू के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।